तो आज मुझे फेंक दिया गया है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे घर के अलावा लिटरली कुछ भी नहीं है। वैसे तुम सबको देखने में तो लग रहा होगा कि ये कोई मिट्टी का घर है। हाँ, वैसे मिट्टी का ही है। तो इस घर के अंदर भैया मुझे एक चेस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत ही कम रिसोर्सेस हैं एंड इसी का हेल्प करके मुझे 100 डे सर्वाइव करना है। और इस वीडियो के लिए मेरे पास कुछ टारगेट भी होने वाले हैं। पहले तो मुझे बनाना है अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड नेदराइट का आर्मर, सेकंड अपने सारे विलेजर्स के रहने के लिए एक बढ़िया सा ट्रेडिंग हॉल बनाना है, एंड में जाने के बाद उस काले कौवे को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारना है, एंड सिटी में जाने के बाद मुझे इलाइट्रा भी लेके आना है, एंड उसके बाद गाइज अपने रहने के लिए बनाना है मुझे एक प्यारा सा घर, एंड साथ में विदर को मार के एक मैक्स आउट बीकन भी बनाना है। ओके। तो पहले दिन गाइज मैं टपक गया इस टट्टी वाले घर, सॉरी टट्टी नहीं, मिट्टी। अबे रुको, हंसना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। इस बार अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना तो इस बार मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे नहीं, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार। तो स्पॉन होने के बाद भैया सबसे पहले मैं भागते हुए जाता हूँ घर के अंदर, एंड यहाँ से मुझे एक चेस्ट देखने को मिलता है। वैसे इस वाले मोड में एक और सीक्रेट चेस्ट है, लेकिन वो पता नहीं कब मिलेगा हम लोग को। चलो छोड़ो, इस वाले चेस्ट में गाइस मुझे मिल जाते हैं थोड़े बहुत सामान, जैसे एमरल्ड के साथ साथ थोड़े बहुत पोर्क चॉप, एंड साथ में मुझे थोड़े वुड भी मिल जाते हैं। तो बिना देरी किए मैंने जल्दी से सारा का सारा सामान उठा लिया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा था कि भाई बिना सैपलिंग का हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। पर चलो कोई ना, वो आगे चल के देखा जाएगा। देन उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, एंड मेरे पास ज्यादा वुड तो था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ एक वुडन का सवाल ही बना लिया। और ये लो भाई, देखते देखते अपना पहला रात भी हो जाता है। और एक बार इसको देखो भाई, इस बंदर को तो भाई सोने की पड़ी है। अबे चल हट, मुझे सोने दे। देन उसके बाद गाइस अगले दिन की सुबह मैं उठ के फटाफट से मिट्टी इकट्ठा करने लग जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपना प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत और बड़ा करना था। और ये लो, मिट्टी इकट्ठा करते करते मुझे दिख जाता है एक सीक्रेट चेस्ट, मतलब ये बैरल था, एंड उसके अंदर भाई मुझे लावा बकेट के साथ साथ एक आइस भी देखने को मिल गया था। फिर मैं जल्दी से मिट्टी की हेल्प से लग जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत और बड़ा करना है। और अब मेरे पास लावा बकेट आ ही चुका था, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे एक कोबलस्टोन फार्म भी बना लिया। और अब भैया मुझे यहाँ से मिलने वाले थे अनलिमिटेड कोबलस्टोन, तो जल्दी से मैंने थोड़े बहुत कोबलस्टोन को माइन किया, एंड उसकी हेल्प से मैंने एक फर्नेस बना लिया ताकि मैं अपने मीट को पका सकूं। अबे मेरे मीट नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यार इस मांस को पकाने के लिए मुझे चाहिए वुड, बट यार पहले से मेरे पास बहुत ही कम वुड है, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वुड को मुझे जलाना पड़े, इसलिए मेरे पास जो वुडन का पिकेक्स था उससे मैंने थोड़ा बहुत और कोबलस्टोन को माइन कर लिया, एंड उसके बाद जैसे वो टूटने वाला था उसको जाके मैंने फर्नेस में डाल दिया। फिर गाइस मैंने बनाई दो पिकेक्स, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा कुछ काम तो था नहीं पत्थर तोड़ने के अलावा, इसलिए मैंने पूरी रात सोया ही नहीं बल्कि पूरी रात पत्थर ही तोड़ा। और ढेर सारे पत्थर हो जाने के बाद मैं लग जाता हूँ एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म बनाने। तो कुछ टाइम के बाद अपना प्लेटफॉर्म तो बनके बिल्कुल रेडी हो जाता है, एंड पता है तुम लोग को इस प्लेटफॉर्म को मैंने क्यों बनाया? ताकि भाई रात को ढेर सारे मॉब स्पॉन हो सके, और कुछ मॉब्स को मारने पे तो भाई वो गाजर भी ड्रॉप कर देता है, जिसकी मदद से हम लोग खेती बाड़ी स्टार्ट करके हम लोग अनलिमिटेड गाजर उगा सकते हैं। तो यही सोच के भैया मैं उस रात को सोया ही नहीं, एंड ऊपर से भाई बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन यार मॉब्स के नाम पे भाई घंटा स्पॉन हो रहा था इधर। अरे मतलब एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा था, शायद से क्या पता हम लोगों ने प्लेटफॉर्म ही छोटा बना दिया। इसलिए गाइस उसके अगले दिन मैं फिर से बना लेता हूँ कुछ भी कैक्स, एंड फिर से मैं लग जाता हूँ पत्थर तोड़ने, ताकि भैया मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत और बड़ा कर सकूँ एंड यहाँ पे मॉब स्पॉन हो सके। तो ये लो, काफी टाइम के बाद अपना प्लेटफॉर्म तो बनके बिल्कुल रेडी हो जाता है, साथ में अभी रात भी होने वाली है, एंड इस रात को भाई मुझे सोना नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से अपने ब्लेजर्स के लिए यहाँ पे एक छोटा मोटा घर बना देता हूँ, ताकि भाई इसको कोई मॉब आके मार ना दे। घर बन जाने के बाद भैया देखो ये ब्लेजर सोने चला गया, लेकिन अभी मुझे नहीं सोना है बल्कि पूरी रात मुझे मॉब्स मारने हैं। देन उसके बाद गाइस वहाँ पे जो चेस्ट था उसको मैंने तोड़ के अपने घर में लगा देता हूँ, एंड मेरे पास थोड़े बहुत सामान थे उसको मैंने चेस्ट में रख दिया। तो भैया देखते देखते जैसे रात हो जाती है वैसे भाई एक एक करके सारे मॉब्स ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। और ये लो, ज़ॉम्बियों को मारने पे मुझे रोटन फ्लैश मिल रहा था, जिसको मैं खा के अपना भूख तो मिटा ही सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या सीन हो जाता है भाई। मेरे घर में बिना पूछे एक हड्डी पहलवान ने एंट्री मार दिया, लेकिन ये मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और इसको मैंने ऊपर वाले के पास भेज दिया। फिर गाइस देखते देखते जैसे बहुत ज्यादा रात हो जाती है वैसे भाई प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखने का जगह नहीं था, इतने सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे यहाँ पे। लेकिन मेरा क्या, मैं तो एक एक करके सबको ऊपर वाले के पास भेज रहा था, पर यार पता नहीं ये बच्चा कहाँ से घुस गया मेरे घर के अंदर। अरे बाप रे, इसने मुझे भाई क्या बताऊं ऊपर वाले के पास ही भेज रहा था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बचाऊं। देन उसके बाद गाइस उस रात को मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही भाई खड़ा रह के ही पूरी रात कटा दिया। और भैया जैसे अगले दिन की सुबह हो जाती है वैसे ये सारे मॉब्स तड़प तड़प के मरने लग जाते हैं। और जैसे गाइस मैं अपने घर से निकलता हूं, तो मैं क्या देखता हूं भाई, अपना ब्लेजर्स तो अलग ही नशे करके बैठा है। और ये लो भाई, बातों में साले ने मेरा मिट्टी भी चुरा लिया। अबे तुझे पता नहीं है क्या ये मिट्टी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ल्ड में? देन उसके बाद गाइज मैंने एक एक करके बहुत सारे क्रीपर को मारा, साथ में बहुत सारी मकड़ियों को भी मारा।
और ऐसे ही देखते देखते भाई दोपहर हो जाती है, लेकिन अब तक कोई प्लेटफॉर्म में ट्रेडर स्पॉन नहीं हुआ भाई जो मुझे पेड़ का सैपलिंग दे सके। इसलिए गाइस मैं दोबारा से लग जाता हूँ मजदूरी, अरे मतलब पत्थर तोड़ने, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ताकि बड़ा प्लेटफॉर्म होने के कारण क्या पता इधर ट्रेडर स्पॉन हो जाए और वो मुझे पेड़ का सैपलिंग दे दे। तो ऐसा ही सोच के गाइस मैंने प्लेटफॉर्म को बड़ा भी कर दिया एंड साथ में भाई मेरे पास पत्थर भी खत्म हो गया था। लेकिन भाई इतना टाइम मैंने वेट किया बट अभी तक भाई एक ट्रेडर स्पॉन नहीं हुआ था यार। इसलिए गाइस अब मैंने सोचा चलो छोड़ो भाई ट्रेडर गया तेल लेने, एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं सीधे नेदर, क्योंकि भैया भूल गए क्या, नेदर से भी तो अपन लोग को लकड़ियां मिल सकती है। लेकिन यार नेदर में जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की वाला काम था बिकॉज मेरे पास कोई आर्मर नहीं था, लेकिन यार दूसरा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था बिकॉज मेरे पास लकड़ी की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी और भाई मैं पिकैक्स तक नहीं बना पा रहा था। इसलिए गाइस मैंने बिना सोचे समझे भाई मैं लग जाता हूँ यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने। तो कुछ टाइम के बाद भैया अपना पोर्टल तो बन जाता है, लेकिन इसको लाइट अप करने के लिए मेरे पास लावा बकेट के साथ साथ कुछ लकड़ियां भी चाहिए। भाई अच्छा हुआ ये मैंने दो लकड़ी बचा के रखा था। देन उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से लावा बकेट का पूरा सेटअप कर दिया। अब टाइम है भाई वेट करने का, देखते हैं ये पोर्टल कब तक एक्टिवेट होता है। तो काफी टाइम तक वेट करने के बाद भैया अपना पोर्टल फाइनली एक्टिवेट तो नहीं होता है, लेकिन पोर्टल में आग लग जाता है। मतलब यार अब एक्टिवेट होने ही वाला था पर यार पता नहीं क्यों, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नसीब खराब हो फिर क्या ही बोल सकते हैं। देन उसके बाद गाइस मैंने फिर से ट्राई किया एंड भाई मैं फिर से वेट करने लग जाता हूँ, लेकिन यार इस बार मेरा पोर्टल एक्टिवेट होने ही वाला था पर मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब था भाई मुझे पता ही नहीं, ये देखो बारिश आ चुका है। फिर गाइस मेरे पास लकड़ी बहुत ज्यादा कम हो चुका था भाई, अगर इस बार पोर्टल एक्टिवेट नहीं होता ना फिर तो भाई क्या होता पता नहीं। इसलिए भैया इस बार मैंने बिना रिस्क लिए भाई सीधा चला जाता हूँ यूट्यूब बाबा के पास, क्या मतलब मैंने वीडियो देखा। अरे कोई बात नहीं, पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए वीडियो देखना पड़ता है। फिर भैया ये सब करते करते हो जाती है रात, इसलिए मैं चलाता हूँ सोने एंड सुबह उठ के भाई मैं जैसे ही पोर्टल के पास जाके देखता हूँ तो अपना पोर्टल फाइनली एक्टिवेट हो चुका था। इसलिए मैंने बिना देरी किए फटाफट से थोड़े बहुत सामान इकट्ठा कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं सीधा निकल लेता हूँ नेदर की ओर। तो अपना नेदर में जो स्पॉन रहा वो काफी अच्छे जगह पे रहा, क्योंकि सामने देखो भाई मुझे क्रिम्सन बायोम दिख रहा था, अरे वही क्रिम्सन बायोम जहाँ पे मुझे लकड़ियाँ मिल सकती है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट से लग जाता हूँ थोड़े बहुत गोल्ड माइन करने, क्योंकि यार बाय चांस उस पिगली ने मुझे ऐसे नंगे देख लिया ना फिर तो भाई वो मुझे दौड़ा दौड़ा के मारने वाला है। इसलिए मैंने थोड़े बहुत गोल्ड माइन करने के बाद मैंने फटाफट से थोड़े बहुत लकड़ियां तोड़ा एंड उसके बाद मैं अपने लिए बना लेता हूँ एक गोल्ड का जूता, और अब भाई उन पिगलियों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे वो नहीं मारेगा। देन उसके बाद गाइस मैं लग जाता हूँ बहुत सारा पेड़ काटने। पेड़ काटने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ गोल्ड को माइन करने, क्योंकि अब मुझे फुल्ली गोल्ड का आर्मर बनाना था। तो काफी सारा गोल्ड माइन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक आध सुअर को भी मारे एंड उसके बाद भाई मैं सीधा निकल लेता हूँ घर की ओर। घर आने के बाद मैंने फटाफट से अपना खाना पकने के लिए रख दिया एंड अपने लिए भाई मैं बना लेता हूँ फुल्ली गोल्ड का आर्मर। तो अब मेरे पास आ चुका था भैया फुल्ली गोल्ड का आर्मर एंड साथ में भाई मेरे पास बहुत सारा लकड़ियां भी आ चुका था। एंड अब टाइम आ चुका था अपन लोग को एक एक्सपी फार्म बनाने का, ताकि भाई वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो एंड उसको मारने पे भाई हम लोग को आलू और गाजर भी मिल सकता है एंड उसी के साथ ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल सकता है जिसको हम लोग नॉर्मल विलेजर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसलिए भैया मैंने बिना देरी किए लग जाता हूँ मजदूरी करने, अरे मतलब एक्सपी फार्म के ऊपर काम करने। तो जैसे ही अपना एक्सपी फार्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है वैसे मैं क्या देखता हूँ भाई, मैंने जिस हिसाब से सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम कर रहा था ये। और यहाँ के सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से गाजर के साथ साथ आलू भी मिल जाता है भाई, अब तो खाने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। लेकिन रुको रुको रुको, एक चीज तो मैंने तुम लोग को बताना ही भूल गया कि ये देखो भैया अपने प्लेटफॉर्म में एक ट्रेडर स्पॉन हुआ था। भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार, प्लीज एक सैपलिंग लेके आना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। देख रहे हो इतने सारे लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे अगर सैपलिंग दे दिया तो। अबे ये क्या बवासीर लेके आए हो। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ भूल जाओ क्योंकि ये सब तो होते रहता है। उसके बाद गाइस मैंने दो चेस्ट बना लिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सामान आ चुके थे, और फिर मैंने अपने सारे के सारे सामान को इस वाले चेस्ट में रख देता हूँ। और फिर गाइस मैंने बोन मिल के हेल्प से बहुत सारे आलू उगा लिए खाने के लिए एंड साथ में उसको मैंने पकने भी दे दिया। तो देखा जाए गाइस तो अब मेरे पास गाजर और आलू तो आ ही चुका था, इसलिए मैंने सोचा अब हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से अपना खेती बाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यार खेती बाड़ी करने के लिए चाहिए बहुत सारी मिट्टी, बट यार मेरे पास उतने सारे मिट्टी थे ही नहीं जिससे मैं एक खेत बना सकूं। इसलिए गाइस मुझे फिर से नेदर जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां से ग्रेवल लेके आ सकूं, और ग्रेवल की मदद से मैं डर्ट तो बना ही सकता था। तो इसलिए मैंने बना लिया ढेर सारा सवाल एंड मैं सीधा निकल जाता हूँ भाई नेदर की ओर। नेदर में आने के बाद इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ग्रेवल का दुकान दिख जाता है जहाँ से मुझे मिलने वाले थे ढेर सारे ग्रेवल। तो फटाफट से मैं शुरू हो जाता हूँ।
तो काफी टाइम मजदूरी करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे सामान आ चुके थे। फिर इसको लेके मैं सीधा निकल लेता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड की ओर। घर पहुँच के जल्दी से मैं क्रॉस डट बना लेता हूँ और उसको भाई सवल की मदद से मैं नॉर्मल डट तो बना ही सकता था। तो इसी प्रोसेस को करते करते भाई मैं इकट्ठा करता हूँ बहुत सारी मिट्टी एंड मैं लग जाता हूँ अपने खेत बनाने। चलो यार, काफी टाइम के बाद अपना खेत तो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन भाई तभी मुझे ज़ॉम्बी विलेजर का आवाज आता है। और यार मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर नहीं बल्कि एक साथ दो दो ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका था। इसलिए मैंने बिना देरी किए भाई जल्दी से अपने एक्सपी फार्म को ब्लॉक कर देता हूँ और नीचे की साइड से आके भाई एक एक करके मैं ज़ॉम्बियों को मारने लग जाता हूँ। सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे दो नहीं बल्कि भाई तीन तीन ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका है और उसी के साथ भैया एक चिकन भी स्पॉन हो चुका था। मतलब मेरा तो भाई बल्ले बल्ले। लेकिन रुको 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 रुको, अबे उतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं गया बॉट बनाने तो मैं क्या देखा भाई, नेदर वाले ट्री से मैं बॉट बना ही नहीं सकता और मेरे पास और दूसरा कोई वुड तो है ही नहीं जिससे मैं बॉट बना के भाई उन ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे बिठा सकूं। तो अब मेरे पास भाई एक ही रास्ता बचा था और वो था भाई ट्रेडर। अगर बाय चांस इस प्लेटफॉर्म में एक ट्रेडर आ गया ना जो मुझे भाई सैपलिंग दे दे, फिर तो भाई मजे ही मजे हैं। लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई मैंने देखते ही देखते पूरा का पूरा दिन कटा दिया पर भाई इस प्लेटफॉर्म में कोई भी ट्रेडर स्पॉन नहीं हुआ था। इसलिए गाइज मैंने सोचा अब हम लोग एक काम करते हैं, एक्सपी फार्म के अंदर ही भाई उस ज़ॉम्बी ब्लेजर को ठीक कर देते हैं। लेकिन यार यहाँ भी एक दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भाई जब तक हम लोग नेदर से दवाई लेके आए तब तक क्या पता भाई वो ज़ॉम्बी ब्लेजर डिस्पोन हो जाए। लेकिन यार इसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से चला जाता हूँ नेदर। नेदर में आने के बाद इधर उधर ढूंढने के बाद काफी टाइम के बाद फाइनली मुझे एक बहुत ही बड़ा सा फोर्ट्रेस देखने को मिल जाता है। तो यार बिना देरी किए मैं जल्दी से फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिखा जिसमें से उतने खास सामान तो मिले नहीं, लेकिन मुझे इस चेस्ट के अलावा बहुत सारे चेस्ट मिले जिसमें भाई बहुत सारे मुझे आयरन भी मिल गए, भाई इस वर्ल्ड का पहला आयरन। और इतना ही नहीं भाई, लास्ट वाले चेस्ट में मुझे डायमंड्स मिल गए, डायमंड्स नहीं भाई सॉरी डायमंड, मतलब एक ही मिला था पर चलो कोई ना, कुछ तो मिला कम से कम। तो कुछ टाइम के बाद मैं एक स्पॉनर के पास पहुंच जाता हूं और भाई ये देखो, इस ब्लेज को मारने से मुझे ब्लेज रॉड मिलेगा और इसी की हेल्प से मैं दवाई बना सकता था अपने ज़ॉम्बी ब्लेजर के लिए। लेकिन यार ये साले मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज दे रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से एक शील्ड बना लिया और साथ में एक आयरन का सॉर्ड भी। तो फिर यार बहुत टाइम तक फाइट करने के बाद मुझे इतने सारे ब्लेज रॉड मिल गए थे, तो इसको लेके मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। तो वहाँ से आते आते मुझे दिखे कुछ पिगलिन के प्रजाति जिसके साथ मैं थोड़े बहुत ट्रेडिंग करने लगा। लेकिन यार ट्रेडिंग के बीच में भाई ये बच्चा आ जाता है, उसके बाद यहाँ का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। फिर गाइस रास्ते में ही मुझे दिख जाता है वाफ्ड फॉरेस्ट। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ पे आ ही चुके हैं तो थोड़े बहुत एंटर पर लेके ही चलते हैं। तो काफी टाइम तक इन लोगों को मारने के बाद अब मेरे पास बहुत सारे सामान हो चुके थे, फिर इसको लेके गाइज मैं सीधा घर आ जाता हूँ। तो घर आने के बाद गाइज मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि भाई अभी तक अपना ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पॉन नहीं हुआ था। लेकिन यार ये खुशी मेरी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि भाई ये देखो, पोशन ऑफ वीकनेस यानी दवाई बनाने के लिए मुझे चाहिए बॉटल, जो कि भाई मेरे पास है ही नहीं। वैसे बॉटल को छोड़ के और भी चीजें लगती है जैसे कि रेड स्टोन, उसके बाद सुगर, लेकिन ये सारे सामान तो मेरे पास है ही नहीं। इसलिए गाइज मैंने सोचा अब हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से सारे ज़ॉम्बी ब्लेजर को इस वाले घर में लेके आ जाते हैं, क्योंकि मुझे दवाई बनाने के जितने भी सामान है जैसे कि रेड स्टोन, उसके बाद सुगर, वो सारे के सारे सामान मुझे एक्सपी फार्म से ही मिलने वाला था। इसलिए मैंने सारे ज़ॉम्बी ब्लेजर्स के लिए एक छोटा मोटा घर बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आजाद कर दिया ये चिकन के ऊपर बैठा हुआ ज़ॉम्बी को और ये भाई ज़ॉम्बी मर जाता है, लेकिन भाई चिकन अपने पास आ जाता है। और भैया आगे चल के भाई इसका जनसंख्या हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे एंड उसके बाद हमारे पास एक चिकन फार्म भी होगा, लेकिन यार इतना ज्यादा मेहनत करेगा कौन। उसके बाद गाइज मैंने तीनों ज़ॉम्बी ब्लेजर को आजाद कर देता हूँ और भाई जैसे तैसे करके मैं एक ज़ॉम्बी ब्लेजर को घर में तो लेके आ जाता हूँ। लेकिन यार बाकी बचे हुए दो ज़ॉम्बी ब्लेजर, एक तो भाई धूप में ही मर जाता है और दूसरे को भाई मैं घर में घुसा ही नहीं पाया, इस वजह से मैंने उसको। तो यार अब पता नहीं मुझे कितना टाइम तक ज़ॉम्बियों को मारना पड़ेगा ताकि भाई मुझे एक बोतल के साथ साथ रेड स्टोन और बाकी की चीजें मिल जाए, इसलिए मैं लग जाता हूँ भाई दिन रात एक करके सिर्फ मॉब्स को मारने। तो यार काफी टाइम तक ज़ॉम्बियों को मार मार के भाई मेरा हाथ दुखने लगा, पर चलो कोई ना, कम से कम भाई सारे के सारे सामान तो मिल गए। और इतना ही नहीं, मैंने एक दूसरा ज़ॉम्बी ब्लेजर को भी ट्रैप कर लिया था। हाँ वो अलग बात है, वो पहला वाला ज़ॉम्बी ब्लेजर कब का डिस्पॉन हो गया था। वैसे मैंने तुम लोग को सबसे अच्छी चीज तो दिखाना ही भूल गया भाई, ये देखो अपने प्लेटफॉर्म में एक ट्रेडर स्पॉन हुआ था जो कि मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा था। लेकिन यार ये नुबड़ा साला भाई ओक का सैपलिंग लेके नहीं आया था बल्कि भाई चेरी का सैपलिंग लेके आया था। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया।
फिर गाइस मैंने जल्दी से अपने सारे सामान को चेस्ट में रख दिया। उसके बाद भाई ये सैपलिंग मैं खरीद लेता हूँ। उसके बाद यार बात रही इस ट्रेडर की, तो तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि इसको मैंने नहीं मारा, बिकॉज यार इसने मुझे बहुत ही अच्छे जगह पे काम दिया। तो चलो एक काम करो, इसी अच्छे काम के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। फिर गाइज मैंने फटाफट से ये चेरी का सैपलिंग लगा के जल्दी जल्दी एक आध पेड़ उगाए, एंड उसके बाद मैंने एक बोट बना लिया। और फिर यार इस ज़ॉम्बी ब्लेजर को मैं आजाद कर देता हूँ, देन उसके बाद ये आराम से आके बोट में बैठ जाता है। देन उसके बाद गाइज मैं लग जाता हूँ जल्दी से दवाई, यानी भाई पोशन ऑफ वीकनेस बनाने। तो कुछ टाइम के बाद अपना पोशन ऑफ वीकनेस बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। लेकिन 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 भाई मेरा लक इतना ज्यादा खराब कैसे है यार, भाई मैं क्या बताऊँ तुम लोग को। देखो मेरे पास पोशन ऑफ वीकनेस तो आ ही चुका था, लेकिन भाई ज़ॉम्बी ब्लेजर को ठीक करने के लिए गोल्डन एप्पल की भी जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास है ही नहीं। उसके बाद भैया मैं काफी टाइम तक बस ऐसे ही सोचने लगा कि भाई आखिरकार हम लोग इस वर्ल्ड में एप्पल कहाँ से लेके आए। लेकिन तभी मेरे पास एक आइडिया आता है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि वहाँ के चेस्ट में एप्पल मिल जाता है। इसलिए यार मैंने बिना देरी किए जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ आई ऑफ एंडर। लेकिन यार देखो स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जाने के लिए मुझे बहुत सारी ब्लॉक भी चाहिए, तो काफी सारा ब्लॉक लेने के लिए मैं कुछ टाइम तक मजदूरी करता हूँ। देन उसके बाद मैंने उगाए बहुत सारे चेरी के ट्री, और फिर मैंने बना लिया ढेर सारे स्लैब, और सीधा मैं निकल लेता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने। तो काफी टाइम ऐसे ही ढूंढते ढूंढते भाई फाइनली जाके मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख जाता है। देन उसके बाद मैं आराम से पानी की हेल्प से नीचे आ जाता हूँ, और मेरे जस्ट नीचे ही भाई मुझे एक लाइब्रेरी दिख जाता है। और यहाँ की चेस्ट में मुझे बहुत ही तगड़े तगड़े सामान मिलते हैं, जैसे कि भाई पेपर मिल जाता है जिससे मैं रॉकेट बना सकता था, और फिर आगे चल के मुझे इंचेंटिंग टेबल भी सेटअप करना था, इसलिए मैंने यहाँ से बहुत सारे बुक भी ले लिए। देन उसके बाद गाइस ऐसे ही लूटपाट करते करते भाई रात हो गई थी, और भाई मुझे डर तो इस बात की हो रही थी कि यहाँ पे ज़ॉम्बी ना स्पॉन हो जाए, नहीं तो भाई साले मुझे धक्का दे देगा नीचे। पर जैसे तैसे करके मैं एक चेस्ट के पास आ जाता हूँ, और यहाँ के चेस्ट में भाई मुझे एक आयरन का चेस्ट प्लेट दिख जाता है। और कुछ टाइम के बाद मुझे एक दूसरा लाइब्रेरी भी मिल जाता है, जहाँ से मुझे ठीक ठाक सामान मिले। और ये लो इस चेस्ट में भाई मुझे फाइनली एक एप्पल मिल जाता है, जिसका मुझे बहुत टाइम से जरूरत था। फिर आते आते भाई मुझे एक दो और चेस्ट मिले, जिसमें से बहुत तगड़े तगड़े सामान थे, एंड लास्ट में भाई मुझे एक और एप्पल मिल जाता है। देन उसके बाद ये सारे सामान लेके भाई मैं सीधा निकल लेता हूँ अपने घर की ओर। घर पहुँच के मैंने जल्दी से अपने सारे के सारे सामान चेस्ट में रखे, एंड उसके बाद मैंने बना लिया दो दो गोल्डन एप्पल। और फिर मैंने बिना देरी किए जल्दी से आ जाता हूँ अपने ज़ॉम्बी ब्लेजर को ठीक करने। तो फाइनली यार अब अपना ज़ॉम्बी ब्लेजर को मैंने ट्रीट देखो फाइनली अब अपना ज़ॉम्बी ब्लेजर को मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, एंड इसको ठीक होने में पता नहीं अब कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब तक ये ज़ॉम्बी ब्लेजर ठीक होता है तब तक इसके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं। तो फटाफट से मैं ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ दिनों के बाद अपना ट्रेडिंग हॉल भी बन जाता है, और इसको मैंने दो फ्लोर में बनाया है, लेकिन ऊपर की साइड अभी भी अपना कुछ काम होने वाला है नहीं। और इसको बनाते बनाते भाई मुझे बहुत बार नेदर जाना पड़ा, पर चलो कोई ना, तुम लोग ये बता देना कि क्या मैंने इस ट्रेडिंग हॉल को थोड़ा बहुत अच्छा बना पाया भी या फिर नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे सामान रखने के लिए थोड़ा बहुत एक छोटा सा स्टोरेज भी बना दिया। देन उसके बाद गाइस मेरे पास जितने भी स्टीम पड़े थे उसका मैंने बेड बना लिया, क्योंकि यार अब मुझे सारे ब्लेजर्स को यहाँ पे लाना था। और फिर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो अपना ज़ॉम्बी ब्लेजर भी बिल्कुल नॉर्मल ब्लेजर बन चुका था। तो बिना देरी किए भैया मैं इसको आराम से बोट में बिठा के ले जाता हूँ अपने न्यू घर में। दोनों ब्लेजर्स को इस वाले घर में लाने के बाद मैंने खेतों से बहुत सारे आलू को हार्वेस्ट किया, और उसके बाद इन लोग को ढेर सारा खाना दे दिया। ढेर सारा खाना खाने के बाद भाई ये लोग हो जाते हैं शुरू, और भाई कुछ टाइम के बाद अपने घर में एक बच्चा भी पैदा कर दिया था इन लोगों ने। तो यार अब मुझे इस बच्चे से करवाना पड़ेगा मजदूरी, लेकिन ये बड़ा होगा तब। लेकिन ये जब तक बड़ा होता है तब तक मैंने अपने सारे खेतों से सारा का सारा गाजर और आलू को हार्वेस्ट कर दिया, और पूरा का पूरा खेत खाली करने पे तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे आलू और गाजर भी आ चुके थे। तो अब टाइम आ चुका था गाइस मुझे बहुत सारे एमरल्ड इकट्ठा करने की, क्योंकि भाई मैं उसी एमरल्ड के बदले भाई मैं डायमंड का आर्मर खरीद सकता था। तो इसलिए बहुत सारे एमरल्ड को इकट्ठा करने के लिए मैंने एक बंदे को बना दिया फ्लेजर, ताकि ये मैं स्टिक्स के बदले बहुत सारे एमरल्ड दे सके। देन थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास कुछ इतने सारे एमरल्ड हुए थे, जो कि भाई कुछ भी नहीं थे, इसलिए मैं सीधा जाता हूँ पेड़ काटने, ताकि मैं उससे स्टिक्स बना सकूं। तो यार अब तुम लोग देख सकते हो काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद अब मेरे पास कुछ इतने सारे स्टिक्स आ चुके थे। फिर मैंने बिना देरी किए मैं लग जाता हूँ ट्रेडिंग करने। तो कुछ दिनों तक लगातार ट्रेडिंग करने के बाद अब मेरे पास इतने सारे एमराल्ड आ चुके थे। लेकिन यार सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अभी यार इस प्लेटफॉर्म में गोलम भी स्पॉन हो रहा था। और यार अभी एक चीज बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अब इस वर्ल्ड में हमें आयरन का कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। फिर गाइस मैंने दिया एक दूसरे बंदे को जॉब, और इस बार मैंने एक बंदे को फार्मरर बनाया, ताकि ये हमें भाई गाजर और आलू के बदले एमराल्ड दे सके। क्या मतलब भाई, इन लोगों के साथ भी ट्रेडिंग करना पड़ेगा फिर से।
तो यार लिटरली काफी दिनों तक लगातार ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड आ चुके थे, और अब मेरे पास इतने सारे एमराल्ड आ चुके थे जिससे मैं अपने लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर खरीद सकता था, साथ में डायमंड के टूल्स भी। तो बिना देरी किए भैया मैं जल्दी से सबको जॉब देता हूँ जिससे ये हमें डायमंड के आर्मर के साथ साथ टूल्स भी बेच सके। तो पहले बंदे को भैया मैंने आर्मरर बना दिया ताकि ये हमें एमराल्ड के बदले डायमंड का आर्मर दे सके, लेकिन अभी नहीं इसको मैक्स करने पे। और बाकी बचे हुए ब्लेजर्स को टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ बनाता हूँ ताकि हमें एमराल्ड के बदले टूल्स दे सके। तो यार अब टाइम आ चुका है इन लोगों के साथ ट्रेडिंग करने, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, शायद से 2-3 साल तो लग ही जाएगा। चलो आ जाओ। भाई 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 मैं क्या बताऊं यार, लिटरली काफी टाइम तक ट्रेडिंग करने के बाद गाइस मैंने सबको भाई मैक्स कर दिया है, तुम लोग देख सकते हो। और अब मेरे पास सब कुछ आ चुका था बस एक पिकेक्स के अलावा, जो कि मैंने इससे ले लिया, वो भी सिर्फ एक एमराल्ड के बदले। और तुम लोग को दिखाऊं तो ट्रेडिंग का माल तो ये तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास कुछ इतने सारे सामान आ चुके हैं भाई इन लोग को मैक्स करते करते। तो आखिरकार यार अब मेरे पास आ चुका था फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर, इसलिए अब मैं जा ही रहा था उस काले कौवे को मारने, मतलब उस एंडर ड्रैगन के बच्चे को मारने। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं पहले हम लोग इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, देन उसके बाद चलेंगे उस काले कौवे को मारने। और ये लो भाई ये ट्रेडर कितना स्पॉन होगा। अबे यार क्या सामान, अबे यार ऐसे टट्टी 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 मत लेके आओ भाई। तो सबसे पहले गाइस मैंने बना लिया एक बुक सेल्फ, एंड उसी के हेल्प से मैंने एक लेक्टर बनाया, एंड उसको भाई जल्दी से एक ब्लेजर्स को लाइब्रेरियन बनाया। और फिर यार काफी टाइम के बाद इसने मुझे सिल्क टच वाला बुक दे दिया, जो कि मैंने फटाक से इसको बाय कर लेता हूँ। देन उसके बाद गाइस जल्दी से मैंने बना लिया एक एनविल, एंड उसको भाई अपने पिकेक्स में लगा लेता हूँ। और फिर ये सिल्क टच वाला पिकेक्स लेके मैं सीधा जाता हूँ नेदर की ओर अपने सारे के सारे डेकोरेशन का सामान इकट्ठा करने। नेदर में आने के बाद तुम लोग देख सकते हो मुझे इस वाले मिट्टी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भाई इस वाले पेड़ को मैं अपने ओवरवर्ल्ड में लगा सकता था। तो चलो अब करते भाई बहुत सारे सामान इकट्ठा, चलो आ जाओ। तो लिटरली यार मैंने काफी टाइम तक बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, और यार मेरा पूरा इन्वेंटरी फुल हो जाता है। वैसे मुझे पता है कि इतने सारे सामान से तो नहीं होने वाला है, मुझे फिर से नेदर आना पड़ेगा। पर अभी के लिए गाइस मैंने इतने सारे सामान को ही लेके मैं अपने घर आ जाता हूँ, और घर आने के बाद जल्दी से मैं अपने काम में लग जाता हूँ। चलो आ जाओ तुम लोग एंजॉय करो। काफी टाइम के बाद भैया तुम लोग देख सकते हो अपने प्लेटफॉर्म में भाई बिल्कुल 4 चांद लग चुका था, और देखने में भाई ये प्लेटफॉर्म क्या तगड़ा लग रहा था भाई। और उस वाले नेदर पोर्टल को तोड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि आगे चल के यहाँ पे एक मॉन्स्टर नेदर पोर्टल भी बनाने वाले हैं। और यार ये वाला बिल्ड मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे एक ट्रेडर वॉक का सैपलिंग दे दिया था, इसलिए मैंने सोचा ये वाला जगह बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा है, इसलिए मैंने इस बिल्ड को यहाँ पे बना दिया। और बात रही इस कमरे की, तो आगे चल के यहाँ पे हम लोग इंचेंटिंग टेबल सेटअप करेंगे, जो कि भाई देखने में बहुत तगड़ा लगेगा। उसके बाद भैया मैं सीधा जाने लगा एंडर ड्रैगन को मारने, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़े बहुत खाना खरीद लिया, जैसे कि गोल्डन कैरेट। और उसके बाद यार मैं सीधा निकल लेता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। तो रात होते होते मैं पहुंच जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास, और यहाँ पे भाई मैं बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था, पर पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे बच गया। फिर नीचे की साइड जाके जल्दी से मैंने अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया, पर यार मेरे पास पानी नहीं था इसलिए मैंने पानी यहाँ से ले लिया। और फिर यार सब कुछ सामान रेडी करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंड में। और यहाँ पे आने के बाद भैया क्या करना पड़ता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले क्रिस्टल को फोड़ना। तो सारे क्रिस्टल को फोड़ने के बाद मैं सीधा हमला कर देता हूँ एंडर ड्रैगन के ऊपर, और भाई इसको मैं आराम से मार देता हूँ। लेकिन तुम लोग देखो भाई इसको मारने के बाद मेरे साथ क्या होता है, मैं जैसे इसको मारता हूँ भाई मैं पोर्टल के पास आ जाता हूँ, और भाई पोर्टल एक्टिवेट होने के कारण मैं फिर से अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। भाई यार मैं क्या बताऊं यार, ऐसा सीन मेरे साथ ही क्यों होता है भाई हर बार। पर चलो कोई ना, फिर भी मैं दौड़े दौड़े पहुंच जाता हूं एंड में। एंड यहां पे आने के बाद मैं देखता हूं कि अपना सारा एक्सपी वैसा ही पड़ा है। फिर जल्दी से सारा का सारा एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं इस अंडे को भी चुरा लेता हूं। और फिर गाइस मैं सीधा निकल लेता हूं इलाइट्रा के तलाश में। चलो एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा रिस्क लेते हैं। अरे नहीं 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही चले जाते हैं कोई बात नहीं। फिर गाइस काफी टाइम के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक एंड सिटी में। एंड यहाँ पे आने के बाद भाई मैं चेस्ट को लूटता हूँ। तो पहले चेस्ट में मुझे उतने खास सामान तो मिले नहीं, लेकिन दूसरे वाले चेस्ट में मुझे कुछ डायमंड मिल गए। देन उसके बाद यार मैं एंट्री मार देता हूँ सीधा शिप के अंदर। एंड यहाँ पे इस डब्बे को मारने के बाद चेस्ट में मुझे थोड़े और डायमंड मिल जाते हैं। देन फाइनली यार यहाँ से मुझे इलाइट्रा मिल जाता है इस वर्ल्ड का। इलाइट्रा मिलने के बाद मेरे पास रॉकेट तो था ही नहीं जिससे मैं और एंड सिटीज लूट सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं ड्रैगन का टकला लेके सीधा घर चलते हैं। पर देखो भाई यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन हो जाता है, मैं जैसे भाई इस टकले को तोड़ता हूँ वैसे भाई मैं नीचे गिर जाता हूँ।
और यार मैं क्या बताऊं यार, मरने के बाद भाई यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा खेल खत्म हो चुका था। अबे मजाक कर रहा हूँ, अबे इतना जल्दी कैसे मरूंगा मैं। मेरे पास अच्छा हुआ इलाइट्रा था जो कि भाई मैं उड़ गया, नहीं तो यार मैं क्या बताऊं यहाँ पे मेरा खेल खत्म था। तो घर आते आते मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ से बहुत सारे एंड स्टोन, क्योंकि मुझे ओवरवर्ल्ड में ये वाले फ्लावर लगाना था। और फिर अपने नेदर पोर्टल के लिए भी मुझे बहुत सारे ऑब्सीडियंस चाहिए थे जो कि मैंने यहाँ से ले लिया। देन उसके बाद यार ये सारे के सारे सामान लेके मैं सीधा अपने घर आ जाता हूँ। घर पहुँच के सबसे पहले मैंने अपने सारे के सारे इन्वेंटरी को खाली किया, एंड उसके बाद मैं एक इंचेंटिंग टेबल बना लेता हूँ और इस इंचेंटिंग टेबल को मैंने इस वाले रूम में सेटअप कर देता हूँ। तो यार अब टाइम आ चुका था अपने सारे के सारे आर्मर को इंचेंट करने का, लेकिन यार मेरे पास कोई लैपिस ही नहीं था, इसलिए मैंने एक बंदे को क्लेरिक बना दिया और उसने मुझे एमरल्ड के बदले भाई लैपिस दे दिया। तो फिर बहुत सारे लैपिस को खरीदने के बाद फाइनली मैं अपने सारे के सारे आर्मर को इंचेंट कर लेता हूँ। और सबसे अच्छा इंचेंटमेंट मुझे भाई स्वॉर्ड में मिला जो कि भाई लूटिंग फ्री था, जिससे हम लोग विदर स्केलेटन को मार सकते हैं। एंड साथ में मैंने अपने बो को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया। तो यार अब देखो मेरे पास तो फुल्ली डायमंड का आर्मर तो आ ही चुका था, लेकिन अब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा नेदरराइट में, जिसके लिए भैया मुझे टोटल 4 नेदरराइट चाहिए, साथ में मुझे 4 स्मिथिंग टेम्पलेट भी चाहिए। तो इसलिए मैंने बना लिया बहुत सारे रॉकेट और उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ एक बैस्टियन के तलाश में, वो भी नेदर में। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद ही मुझे एक बैस्टियन मिल जाता है और यहाँ पे आने के बाद मैं सारे पिगलिंस को मारने लगा, लेकिन वो भी छुप छुप के, ताकि वो मुझे मार ना सके। और यार फाइनली यहाँ के पहले चेस्ट में मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट के साथ साथ एक स्कार्फ भी मिल जाता है। तो ऐसे ही करते करते गाइस मैंने बहुत सारे चेस्ट लूट लिए, एंड यहाँ से भाई मुझे एक नेदरराइट के इनगट भी मिल जाता है। तो एक बैस्टियन को लूटने के बाद यहाँ से मैं जल्दी से निकल लेता हूँ एक दूसरे बैस्टियन के तलाश में। दूसरे बैस्टियन में पहुंचने के बाद गाइस यहाँ भी मैं बहुत सारे चेस्ट लूटता हूँ, लेकिन 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 तुम लोग देखो भाई मेरे साथ यहाँ पे क्या सीन हो जाता है और भाई मैं कैसे मरते मरते बचा हूँ। भाई देख रहे हो ऐसे करके मैं बचा हूँ यार, यहाँ पे मेरा जो मैं भाई मैं क्या बताऊँ यार। तो काफी टाइम के बाद मैंने इस बैस्टियन को भी पूरा खाली कर दिया था। देन उसके बाद मुझे एक और बैस्टियन को लूटना पड़ा था। तो इतने सारे बैस्टियन को लूटने के बाद फाइनली मेरे पास 2 नेदरराइट के इनगट के साथ साथ बहुत सारे डेब्रिस भी आ चुका था। देन उसके बाद गाइस मैंने यहां से थोड़े बहुत ब्लैक स्टोन कलेक्ट किया, क्योंकि मुझे नेदर पोर्टल बनाना था। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल लेता हूं अपने घर की ओर। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सारे सामान को चेस्ट में रखा, एंड उसके बाद अपने सारे डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। डेब्रिस स्मेल्ट होने के बाद मैं जल्दी से 2 नेदरराइट बना लेता हूं, और ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही 2 नेदरराइट थे, इसका मतलब मेरे पास टोटल 4 नेदरराइट आ चुके थे। तो फटाफट से मैं अपने सारे के सारे डायमंड के आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट कर देता हूं। एंड साथ में मेरे पास कुछ ड्रीम भी थे जिसको मैंने अपने नेदरराइट वाले आर्मर में लगा लिया। एंड ये देख लो भैया तुम लोग फाइनल लुक, जो कि भाई देखने में क्या तगड़ा लग रहा है। वैसे यार ये सिर्फ देखने में ही तगड़ा नहीं लग रहा है, बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो अब मैं हो चुका था बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए अब टाइम आ चुका था भाई विदर से फाइट करने का। लेकिन रुको रुको रुको, पहले काम करते हैं, जल्दी से पहले नेदर पोर्टल बना लेते हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फाइनली अपना नेदर पोर्टल बन गया था। देन उसके बाद गाइस मैं बिना देरी किए सीधा चला जाता हूँ एक फोर्ट्रेस के तलाश में, जहाँ पे मुझे विदर स्केलेटन मिले। नेदर में आने के बाद इधर उधर भटकने के बाद फाइनली मुझे एक फोर्ट्रेस दिख जाता है, जहाँ पे भाई सोल सैंड वाला बायोम था और यहाँ पे बहुत सारे विदर स्केलेटन भी थे। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं हम लोग को 3 स्कल कब तक मिलता है। 72 hours later. तो फाइनली यार काफी टाइम मजदूरी के बाद मुझे फाइनली 3 स्कल मिल जाते हैं। तो इसको लेके भाई मैंने बिना देरी के यहाँ से निकल लेता हूँ। अपने घर आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेडर स्पॉन हुआ है, लेकिन इसका एक दूसरा साथी कहाँ पे है, अबे वो आसमान में क्या कर रहा है। फिर गए सबको सामान रेडी करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ एंड में विदर को डिफीट करने। वैसे एक बार मेरा इलाइट्रा का हालत देखो, बाय चांस अगर टूट गया ना फिर तो। एंड में आने के बाद भैया जल्दी से मैंने यहाँ पे विदर को स्पॉन कर देता हूँ, अब तुम लोग इसका फाइट एंजॉय करो। तो ये लो भाई विदर को भी मैंने डिफीट कर दिया है, एंड ये मुझे नेदर स्टार दे दिया है, इसकी मदद से मैं बीकन बना सकता हूँ। तो ये नेदर स्टार को लेके मैं सीधा घर आ गया। तो अब गाइस मुझे बीकन बनाने के लिए मुझे ग्लास की भी जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने काफी टाइम तक विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग किया, एंड बहुत सारे एमराल्ड की ट्रेडिंग के बाद मुझे यहां से ग्लास मिल जाता है। तो जल्दी से मैं फाइनली अपने लिए एक बीकन बना लेता हूं। तो चलो अब मेरे पास यार बीकन तो आ ही चुका था, लेकिन इसको सेटअप करने के लिए बहुत सारे आयरन के ब्लॉक लगेंगे, जो कि भाई मेरे पास उतने सारे तो है ही नहीं। तो इसलिए भैया मैंने जल्दी से एक आयरन फार्म बनाने का सोचा, ताकि भाई
वहाँ से मुझे बहुत सारे आयरन मिल सके, लेकिन आयरन फार्म हम लोग बनाए तो बनाए कहाँ, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग ये जो एक्सपी फार्म है इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी अब इसका कोई काम नहीं है, और आगे चल के अगर काम भी पड़ गया तो क्या हुआ, इससे अच्छा एक्सपी फार्म हम लोग बना लेंगे। फिर गाइस यही सोच के मैंने जल्दी से पूरा का पूरा एक्सपी फार्म को यहाँ से हटा दिया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक आयरन फार्म बनाने लग जाता हूँ। तो यार कुछ दिनों के बाद फाइनली अपना आयरन फार्म भी बन जाता है, एंड भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयरन इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन एक बीकन बनाने के लिए मुझे बहुत सारे आयरन ब्लॉक लगेंगे, एंड मुझे नहीं पता भाई कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए भैया मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब तक इधर आयरन इकट्ठे होते रहेंगे तब तक हम लोग एक काम करते हैं, अपने लिए खूबसूरत सा घर बना लेते हैं, और वैसे भी इस वर्ल्ड में मेरे रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, अपने लिए बनाते हैं खूबसूरत सा घर। तुम लोग एक काम करो, बिना स्किप किए आराम से एंजॉय करो। तो यार फाइनली अपना घर बनके बिल्कुल रेडी हो गया था, एंड भाई सच बताऊं इस घर को बनाने में मुझे भाई काफी दिन लग गया यार, और ना जाने इस घर बनाने के लिए मुझे कहां कहां पे जाके भटकना पड़ा, पर चलो कोई ना, ये सब तो चलते रहता है। और इधर की साइड गाइस मैंने यहां से पूरा अपना खेत हटा दिया, एंड उसके बदले मैंने ये वाला फ्लावर लगा दिया जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। फिर उतने दिनों के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे आयरन इकट्ठे हो चुके थे, तो यहां से सारे आयरन को लेने के बाद जल्दी से मैंने आयरन के ब्लॉक बना लिए, एंड फिर मैं लग जाता हूं एक बीकन सेटअप करने। तो ये लो अब मेरे इस वर्ल्ड में भाई फुल्ली मैक्स आउट बीकन भी आ चुका था, जो कि भाई देखने में मैं क्या बताऊं। तो इसी के साथ गाइस होते हैं इस वर्ल्ड का 100 डे कंप्लीट, एंड उम्मीद करूंगा यार आज का वीडियो तुम लोग को देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। वैसे जाते जाते तुम लोगों से मैं एक चीज चाहता हूं कि तुम लोग ये मुझे जरूर से बताना कि पूरे इस बेस को तुम लोग 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो, ताकि मैं भी तो देखूं कि भैया ये सिर्फ मुझे ही अच्छा लग रहा है कि सबको अच्छा लग रहा है। बाय द वे गाइस इस वीडियो को जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है वो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो, और हां नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है इसलिए अभी भी बोल रहा हूं जल्दी से सब्सक्राइब करके रखना। वैसे अगर सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो घंटा भी दबा देना, क्योंकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तुम्हारा फोन का भी घंटा बज सके। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके तब तक के लिए सबको बाय। रुको अबे यार ये ट्रेडर स्पॉन हो चुका है, ये क्या लेके आया है? चलो भाई जंगल का सैपलिंग लेके आया है, चलो कम से कम इस ट्रेडर के लिए एक लाइक कर देना। ओके मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय-बाय।